वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ऐमन इसरार और आज मैं मौजूद हूं पुरानी अनारकली में। सुना है पंजाब के लोग, कराची के लोग या दूसरे सूबों के लोग कुछ ऐसी डिशेज हैं जिनको खाने के लिए स्पेशल क्वेटा जाया करते थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने यहाँ पर आके एक उसी तर्ज का रेस्टोरेंट ओपन किया है जहाँ पर क्वेटा की मशहूर डिशेज पकाई जाती हैं और लोगों को खिलाई जाती हैं। चले यहाँ पे क्वेटा नमकीन होटल के अंदर जाके देखते हैं कि ऐसी क्या डिशेज और उनकी खासियत क्या है जो लोग उनको इतना पसंद करते हैं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं कि उसमें क्या खसूसियात हैं। सर, आपका नाम? मोहम्मद अमीन खान। मोहम्मद अमीन खान साहब, बताएंगे कि साथ साथ ये इतनी अनोखी अनोखी डिशेज क्या हैं और इनकी खसूसियत क्या है और ये कहाँ से आई हैं? ये है क्वेटे का डिश, हमारा क्वेटे का डिश है और ये नमकीन बोटी है, बीफ है। ये बीफ है और नमकीन बोटी हम लोग कहते हैं क्वेटे का डिश। अच्छा अच्छा, स्पेशल डिश है, इधर लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। तो ये आपने क्यों सोचा कि ये लाहौर में भी आनी चाहिए? लोग क्वेटा में पसंद करते हैं, लाहौर में भी पसंद करेंगे, ये ख्याल आपके पास कहाँ से आया? ये तो हमारा पहले उधर क्वेटे पे होटल था, उधर लोग पंजाबी लोग भी आता था, उसको पसंद करता था। हमने कहा इधर लाहौर में भी एक पंजाबी खाते थे, ये वहाँ जाके आके वहाँ पे खाते थे, तो हमने वो समझा, हमने बोला लाहौर में भी एक रेस्टोरेंट खोल दे ना। और ये हमारा स्पेशल डिश है काबली पुलाव। काबली पुलाव, इसका नाम काबली पुलाव क्यों है? पुलाव ये अफगानिस्तान है, बहुत लोग बहुत पसंद करता है और इसमें जो है मटन भी है और ये बीफ है, मैंने अभी लाया हुआ है। इसके अंदर मटन और मटन गोश्त होता है, मटन होता है, मटन होता है और बीफ भी होता है, मटन भी होता है। अच्छा सर, ये बताएंगे खान साहब की चने साथ में क्यों दिए हैं और ये क्या चीज़ है? ये चावल के साथ गिरा हुआ, चने साथ लोग उसके साथ खा देता है और इधर हम रेता डाल के देता है और साथ चने भी डाल देता है, सालन भी डाल देता है उसके साथ। और अच्छा अच्छा, ये स्पेशल डिश है, ये वाला डिश है और ये नमकीन रोश है, मटन है। ये क्या है? मटन रोश है, नमकीन रोश, रोश मटन रोश। जी जी, इधर काफी सब लोग बहुत पसंद करता है। इसकी क्या खसूसियत है? ये मटन रोश, इसको बहुत अच्छा टेस्ट होता है और ये हमारे क्वेटे में बहुत चलता है। तो इसकी रेसिपी क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके? बस इसका बहुत अच्छा जायका है, इधर जो लोग बहुत काफी सारे। इसको स्टीम पे पकाया जाता है या कोयलों पे? नहीं, घी में पक जाता है, घी में तल जाता है ना, फ्राई किया जाता है। अच्छा अच्छा, मटन है, इसको फ्राई किया जाता है तो ये रोस्ट बनता है। ठीक ठीक। अच्छा, इसके साथ ये क्या चीज है और ये क्या चीज है, बताएंगे जरा? साथ दाल माच देता है और ये आलू मटर गाजर साथ देता है और ये यखनी है, इसका अपना है। इसकी यखनी, यानी कि मटन की यखनी है? यखनी है जी जी। इसको खाते किसके साथ है? इसको चम्मच के साथ भी खाते है और रोटी के साथ भी खा लेते हैं। यहाँ पे भी लोग क्वेटा की तरह पसंद करते हैं, आते हैं और डिमांड करते हैं कि हमने रोश खाना है। जी जी जी, इधर बहुत काफी सारे हमारे स्टूडेंट होता है ना, स्टूडेंट सारे जा जाते हैं और पंजाब के लोग भी बहुत आ जाते हैं और हमारा नमकीन रोश के पूछते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आपका रेस्टोरेंट मशहूर है मटन रोश की वजह से? जी जी, मटन रोश की वजह से और काबली पुलाव और नमकीन बोटी की वजह से। अच्छा, ये तीन आपकी स्पेशल डिशेज हैं? डिश है और साथ में दुम्बा कढ़ाई भी होता है, शिनवारी कढ़ाई भी होता है, मटन कढ़ाई भी होता है, वो भी जबरदस्त बहुत स्पेशल डिश होता है हमारा। अच्छा अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे टेस्ट करती हूँ और बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। खाली है खाना, ट्रस्ट मी बहुत यमी था। तो आइए पूछते हैं कि इस खाने की प्राइस क्या थी, पैसे भी तो देने हैं आखिरकार। सर, जो हमने डिशेस खाई हैं उनकी प्राइसेस क्या थी? एक हमने नमकीन बोटी खाई है, उसकी प्राइस क्या थी? नमकीन बोटी जो कहा था वो बीफ है, वो 350 रुपये की प्लेट है, वो पूरा डिश होता है, उसके साथ बाकी सालन आपको भी दे दिया और उसके साथ यखनी भी देता है 350 रुपये के। 350 में वो नमकीन बोटी थी। उसके बाद हमने जो मटन रोश खाया है, जो कि एक बहुत ही मुनफरिद किस्म की डिश है लाहौर में, उसकी प्राइस क्या थी? उसको मटन रोश होता है, वो भी बड़ा डिश होता है, उसका सालन भी देता है और यखनी भी होता है, उसका आलू भी होता है, पूरी डील होती है उसकी, पूरा डिश होता है, वो 480 रुपये की प्लेट होता है। 480 की, वेरी अफोर्डेबल। और उसके बाद हमने काबली पुलाव खाई जो कि बहुत ही यमी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उसकी प्राइस क्या है? वो काबली पुलाव जो कहता है उसमें मटन होता है वो 550 रुपये का है और ये बीफ है,
बीफ जो है ना वो 280 रुपए का प्लेट है। तो ये नाज़रीन बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस हैं, कोई भी इसको खा सकता है और ये एक्सट्रीमली मज़े की थी, बहुत ज़्यादा यम्मी थी। बाकी रेस्टोरेंट्स में हम जाते हैं तो उनकी तादाद हज़ारों में जाती है और इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि आम बंदा उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पर सारा खाना बहुत यम्मी है और बहुत ज़्यादा अच्छा लजीज खाना है और प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है। इसी के साथ अपनी मेज़बान ऐमन इस्रार को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।